नमस्कार दोस्तों, द ग्रीन रूफ टेरेस गार्डन के इस वीडियो सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको एक बहुत अच्छी और बहुत काम की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप देख रहे हैं, ये जो है कोको ब्रिक, यानी कोकोपीट ब्रिक है ये, और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये सवाल हमसे हमारे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, इसीलिए उनके लिए आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना टेरेस गार्डन तैयार करने जा रहे हैं या तैयार कर चुके हैं और आप कोकोपीट या कोको ब्रिक्स या कोकोपीट पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये ब्रिक आपको दिखने में जो बहुत छोटी दिख रही है, आपको बताएंगे कि ये किस तरह से आपका गार्डन तैयार करने में कारगर होगी। देखिए, इसे आपको इस तरह से एक टब लेना है और उसमें इस ब्रिक को रख लेना है। अब इस ब्रिक पर आपको इस तरह से पानी डालते जाना है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको पहले से जो है पानी भर के नहीं रखना है, आपको जो है पानी बाद में डालना है। पहले ब्रिक टब में आप रख लें इस तरह से, और फिर उसके बाद इस तरह से आप इसमें पानी डालते जाएं। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जो है ये आपकी ब्रिक गलने लग जाएगी और इस तरह से पानी में जो है कोको पाउडर मिलने लगेगा। धीरे धीरे आप उसे पानी में डुबोते जाएं और हाथ फेरते जाएं आप उस पर, धीरे 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 खिरते खिरते वो, और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये जो पूरी आपकी ब्रिक है ये पूरी तरह से घुल जाएगी पानी में। और कितनी मात्रा में ये आपका आखिरी में जो पाउडर तैयार होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा, वीडियो आप देखते रहिए एंड तक। देखिए दोस्तों, किस तरह से जो है ये आपकी ब्रिक कोकोपीट पाउडर की किस तरह से पानी में अब पूरी तरह से घुल रही है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा जो है एक टुकड़ा जो था उसका ईंट जैसा वो अब पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी ये जो पानी आपने देखा इस तरह से धीरे धीरे बुलबुले उठ रहे हैं अब इसके एयर के, और आप देखेंगे कि ये पानी जो है अब धीरे से गायब होने वाला है। गायब यानी कि अब ये जो कोकोपीट ब्रिक है ये धीरे धीरे इस पानी को पूरा सोख लेती है अपने अंदर। और कोकोपीट पाउडर की खासियत ही यही होती है कि वो मॉइस्चर वाला होता है और पानी को एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता उसकी होती है, इसीलिए वो एक अच्छा मीडियम है। जब आप सॉइललेस पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं अपनी छत पर, आप कम वज़न में गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो मिट्टी की जगह आप जो है कोकोपीट पाउडर लेते हैं। एक बहुत अच्छा मीडियम होता है कोकोपीट पाउडर मिट्टी को रिप्लेस करने का। और देखिए, ये जो है पानी को पूरी तरह से सोख कर धीरे धीरे ये पाउडर फॉर्म में बन रही है। और आपको बता दें कि ये जो ब्रिक है अमूमन 4 to 5 kg की होती है, और जब आप इसको इस तरह से पानी में घोलते हैं तो लगभग 20 से 25 किलो ये आपका मटेरियल रेडी होता है। तो देखिए कितनी फ़ायदेमंद होती है ये जो ब्रिक है, आप आसानी से इसे अपने घर भी ले जा सकते हैं और फिर इस तरह से आप उसका ये पाउडर तैयार कर सकते हैं। Thank you.
और देखिए ये जो टब है अब हमारा भरते जा रहा है, लगभग 20 से 25 लीटर पानी ये जो है आपकी ब्रिक 5 किलो की ये सोख लेगी अपने अंदर, और फिर ये आपका जो है लगभग 20 से 25 किलो मटेरियल तैयार भी हो जाएगा। ये देखिए आप टब पूरा भर चुका है, आप देख सकते हैं आप जितनी बड़ा जो आपकी टब लेते हैं आप उसमें उतना पानी मिलाएं और उस तरह से इस ब्रिक को डालें, उतनी जगह ये पूरी घेर लेगा। अभी बची है और पूरा टब भर जाने के बाद भी अभी भी उसमें ब्रिक बाकी है, तो देखिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों इसका अब आपको इस तरह से टब में से इसे निकालना है, इसका हल्का सा पानी आप हाथों से हल्के हाथ से दबा के ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, और इस तरह से आप उसे चाहे तो आप इसे धूप में सुखा लें थोड़ा सा, उसके बाद फिर आप इसे इस्तेमाल करें या फिर सीधे भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप इसे गार्डनिंग के पहले एक दो दिन पहले अगर आप इसका पाउडर बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसे थोड़ा सा धूप दिखा सकते हैं, से थोड़ी सी और हल्की हो जाती है और फैल जाती है थोड़ी सी। तो दोस्तों अब आपकी जो है कोकोपीट ब्रिक का ये पाउडर फॉर्म तैयार है आपके गार्डन में इस्तेमाल करने के लिए, और अब आपको हमने बता दिया कि किस तरह से इस ब्रिक को आप इस तरह से पाउडर में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और आप अगर चाहें तो इसे धूप दिखाएं और ना चाहें तो ना भी दिखाएं। हमने और अभी भी इसमें फ़िलहाल क्षमता है कि और पानी सोख सके और ज़्यादा फैल सके, लेकिन फिर भी हमने इसे बहुत ज़्यादा पानी और नहीं डाला है, तो ये आपको थोड़ा सा तय करना है आप कितनी इसकी मात्रा चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने कोकोपीट ब्रिक को रेडी कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में, और अब आप इससे पॉटिंग मिक्स तैयार करके, पॉटिंग मिक्स किस तरह से बनाई जाती है ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप उस पर जाएं और देखें किस तरह से आपकी सॉइललेस पॉटिंग मिक्स तैयार की जाती है कोकोपीट पाउडर के साथ। तो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी, आज के इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।